और अभी हमें एक साइरन की आवाज आ रही है। और हम रूम से बाहर निकल के सीधे ही एक रास्ता जाता है वहीं पे आ गए हैं। और मेरे ख्याल से हम शायद इस रास्ते से झूला पुल पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे अभी दिखाते हैं आपको। अच्छा रास्ता है, साफ है और अच्छा सीधा रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई वगैरह नहीं है। लेकिन फिर हम प्रसाद, अच्छा प्रसाद तो अंदर मिल जाता है। हाँ तो इधर को आ जाओ। और ये मंदिर का जो ये रास्ता जाता है वो सीधे ममलेश्वर महादेव के मंदिर में आता है। चले जाते हैं अभी यहाँ पे आ गए। हाँ तो पहले हम आज ममलेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं और उसके बाद फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो हमने प्रसाद ले लिया है, हमारे हैं मंदिर। तो हम सोच रहे थे पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाएंगे, फिर बोट से ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आएंगे। लेकिन जो हमारे गेस्ट हाउस से रास्ता जा रहा था वो सीधे ममलेश्वर महादेव के मंदिर की तरफ आया, तो हमने सोचा कि ठीक है पहले यहाँ दर्शन कर लेते हैं फिर बोट से ओंकारेश्वर जाएंगे। और हम शाम को गए थे ओंकारेश्वर दर्शन के लिए, तो मैंने कहा कोई नहीं अभी यहाँ दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद ओंकारेश्वर चले जाएंगे। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत सुंदर कलाकृति है पुराने समय की, और महादेव का मंदिर है, ज्योतिर्लिंग है। तो अभी हम जा रहे हैं अब ओंकारेश्वर, कल हम गए थे ओंकारेश्वर, और अभी होटल से जिस रास्ते से हम निकले थे तो ममलेश्वर पहले पड़ा था। पहले हमने कहा था ओंकारेश्वर जाएंगे, यहाँ से बोट से आएंगे, लेकिन पहले ममलेश्वर पड़ा था, हम ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग आए हैं। यहाँ भी प्रसाद चढ़ा लिया है, जल चढ़ा लिया है, अब हम ओंकारेश्वर चढ़ा लिया, अब हम चल रहे हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दो स्वरूप हैं, एक ममलेश्वर के नाम से जाना जाता है, यह नर्मदा नदी के दक्षिणी तट पर ओंकारेश्वर से थोड़ी सी दूरी पर है, और दोनों ही अलग अलग होते हुए भी दोनों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की जाती है। यह मंदिर भी नर्मदा नदी के तट पर ही स्थित है, और इस स्थान पर नर्मदा की दो धाराओं में विभक्त हो जाने से बीच में एक टापू सा बन गया है, और इस टापू को माधानता पर्वत या शिवपुरी भी कहते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का सही नाम अमरेश्वर मंदिर है, पहले इसे अमरेश्वर मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर 5 मंजिला मंदिर है और हर मंजिल पर शिवालय है, और इस प्रांगण में 6 मंदिर और हैं, और यह बहुत ही पत्थर से बहुत ही सुंदर काम किया गया है इस मंदिर का। अब हम जा रहे हैं ओंकारेश्वर महादेव के मंदिर की ओर। यहाँ प्रसाद चढ़ा लिया, दर्शन हो गए अच्छे से। अभी बोट का देखते हैं, इस साइड उस साइड दूसरी साइड हम बोट से जाएंगे, तो फिर वो पता करते हैं किधर से चलेगी। ये है पैदल मार्ग, ये ब्रिज को जाता है, झूला ब्रिज को जो ऊपर दिख रहा है आपको, इसका रास्ता पीछे से था। और अब हम आगे हैं इधर की तरफ जहाँ से वहाँ पर तो चलते पहले घाट में, तब तक भैया सवारी इनकी हो जाएगी तो उसमें बैठ जाएंगे। हाँ। मुझे लग रहा है हुई तो नहीं है किसी में, देखते वो जा रही है वो। अभी देखते हैं शेयरिंग में आपको बोट कंफर्टेबल लगेगी। हम लोग आ गए यहाँ पे, देखिए अलग अलग टाइप की बोट्स हैं। हाँ मंदिर में आरती हो रही है शायद, तो उसकी आवाज़ आ रही है। और यहाँ पे घाट है, लोग नहाते हैं यहाँ पे।
पूछ लो उनसे, उनके पे है तो। और सामने है ओंकारेश्वर मंदिर। और अभी हमें एक साइरन की आवाज़ आ रही थी, क्या पता आपको भी सुनाई दे रहा हो। तो भैया बता रहे पानी बढ़ रहा है, ये देखिए पानी यहाँ ऊपर तक आ गया है, तो इसलिए अब यहाँ से हमें हटना है। पानी बढ़ेगा साइरन क्योंकि आगे जो डैम है, डैम से पानी छोड़ा होगा। हाँ मंदिर बैठो, मिल जाएगा तो ले गए कहीं ना कहीं। और अभी हमें एक साइरन की आवाज़ आ रही थी, क्या पता आपको भी सुनाई दे रहा हो। तो भैया बता रहे पानी बढ़ रहा है, ये देखिए पानी यहाँ ऊपर तक आ गया है, तो इसलिए अब यहाँ से हमें हटना है। पानी बढ़ेगा साइरन क्योंकि आगे जो डैम है, डैम से पानी छोड़ा होगा। हाँ मंदिर बैठो, ले गए कहीं ना कहीं। और देखिए पानी कितना भर गया, अभी हम यहाँ पे थे। सवारी बिठा लो भैया, अभी आपको टाइम लगेगा लग रहा है। नहीं अब घुमाओ तो थोड़ा घुमाओ, हम बता दो 5 बजे ना। नहीं नहीं सवारी अभी टाइम लगेगा मंदिर जाने में, किसी की हो गई तो हमें बिठवा दो, किसी की हो गई तो डर लग रहा है। आराम से जाना। और आप देखिए पानी कितना बढ़ गया, अभी हम यहाँ पर से पूरा भर गया है। हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है अभी क्योंकि पानी बहुत बढ़ रहा है। जब तक सवारियाँ नहीं हो जाती तब तक वेट कर लेते हैं, अभी सवारियाँ हो जाएंगी तो हम बैठ जाएंगे। भैया पूरा राउंड घुमाने का भी कह रहे हैं कि वो डैम दिखाएँगे, शंकराचार्य जी की मूर्ति है वो दिखाएँगे और संगम दिखाएँगे। उसके बोल रहे हैं वो, एक तो 300 बोल रहे थे, ये 400 बोल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अभी हम पहले मंदिर जाना चाह रहे हैं, उसके बाद देखते हैं। डैम तो वहाँ से भी दिख जा रहा है ब्रिज से, और संगम भी पास में ही है। ये देखिए कितना बढ़ गया है जल अभी। ये भी बहुत पवित्र मानी जाती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, शिप्रा नदी, गंगा नदी, ये सारी नदियाँ पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि इनका पानी गंदा नहीं होता है, उनको आप रख सकते हैं आराम से घर पर। हमने पूरी ही बोट कर ली क्योंकि पानी भी बढ़ ही जा रहा था, और इन भैया से हमारी बात हो गई थी, तो दूसरी बोट में फिर हम गए भी नहीं बैठने के लिए। और बाकी की दो बोट फुल हो रही थी, इस बोट में हम ऑलरेडी बैठे हुए थे। ये कोशिश तो कर रहे थे सवारियों की, बट सवारी अभी मिल नहीं रही थी। कई लोग पैदल ही चले जाते हैं बोट से, फिर हमें फिर से ऊपर जाना पड़ता है बोट में। मुझे मन था कि बोट से ही जाएंगे, और हमने कहा ठीक है पूरी बोट ही कर लेते हैं। और मैंने कहा थोड़ा आपको घुमा भी देता हूँ, दिखा देंगे और डैम दिखा दूंगा। तो हमने कहा ठीक है फिर कहाँ यहाँ पर फिर से बोट में आएंगे। लेकिन हाँ यहाँ पर सबके अलग अलग चार्जेस हैं, और आप शेयरिंग में जाएंगे तो पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ तो मंदिर का पर पर्सन पड़ेगा, मतलब एक आदमी का 50 रुपये। और अगर आप घूमेंगे जैसे इस बोट से पूरा जितना भी ये घुमाते हैं तो 100 रुपीज़ पर पर्सन होगा, और ज़्यादा नहीं घुमाएंगे शायद। ये टेंट यहाँ पे शंकराचार्य जी की मूर्ति दिखाएंगे, और डैम कह रहे हैं और संगम कह रहे हैं, तो देखते हैं क्या दिखाते हैं। और जब हम ममेश्वर मंदिर से बाहर निकल रहे थे तो एक भैया 300 रुपये बोल रहे थे, तो उस समय तो हमारा ये था कि पहले हमें घाट पर जाना है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जाएंगे क्या नहीं जाएंगे। उस समय हमें उनसे मना कर दिया था। फिर यहाँ पर ये भैया 500 बोल रहे थे, तो 400 में माने, तो हमने कहा चलो चलते हैं। और देखिए कितना सुंदर व्यू है, नदी कितनी सुंदर लग रही है, कितना सुंदर कलर लग रहा है।
और वो सामने दिख रही है आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति। मुझे लगा थोड़ा और पास से दिखाएंगे, तो ऊपर ब्रिज से भी दिख जा रहा था, लेकिन नहीं बस यहीं से ही दिखाएंगे और थोड़ा आगे से फिर टर्न करके हमें डैम की तरफ ले जाएंगे। और वो देखिए सामने दिख रहा है डैम, जो कि हमें जहाँ पे घाट में वो देखिए बोट्स वहाँ से और अच्छे से दिख रहा था। भैया ने हमें यहीं से टर्न कर दिया, मुझे लगा था वो आगे तक जाएंगे। तो ये होता है यहाँ पर बोट्स वालों का, क्या बोल सकते। तो हम लोगों ने एक छोटा सा राउंड लगा लिया और अब जा रहे हैं इस साइड आने के बाद ओंकारेश्वर महादेव की ओर। और अगर आप वैसे घूमना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट आप शेयरिंग की बोट। लगा कि बहुत लंबा राउंड होगा, लेकिन वो शंकराचार्य जी की टेंपल तक जाता होगा और डैम के बिल्कुल पास तक जाएंगे, तो ऐसा कुछ था नहीं। थोड़ा दूर दूर से दिखाया, बहुत ही छोटा राउंड था। कितना मिनट लगा होगा, 10 मिनट? हाँ, 10 मिनट का ही था। और शेयरिंग के उस समय कोई थी भी नहीं, पानी भी पड़ रहा था नदी में। शेयरिंग वाले मंदिर तक के लिए मिल रहे थे, राउंड वाला फिर हमें वेट करना होता, तो हमने सोचा कर ही लेते हैं, वो पर्सनली ले लेते हैं। तो हम लोगों ने वैसे तो 500 बोल रहे थे, लेकिन फिर 400, एक भैया 300 भी बोल रहे थे, लेकिन फिर अब हम बैठ गए थे बोट में, तो ठीक है। वैसे शेयरिंग में 100 रुपये पड़ता होगा पर पर्सन। और हम आ गए हैं ओंकारेश्वर मंदिर, तब जाते हैं यहाँ पे दर्शन करने। मंदिर की ओर जा रहे हैं और हम आ गए हैं, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। और आज देखिए भीड़ कितनी है आज। विशाल का त्रिशूल भी है जिसके आप फोटो खिंचा सकते हैं। और यहाँ से महाकालेश्वर मंदिर जो ऊपर है वहाँ से व्यू देखिए कितना सुंदर है।
तो गए। और अब हम जा रहे हैं झूला पुल की ओर। और देखिए कितनी भीड़ है झूला पुल पर। देखिए पूरा झूला पर और कल रात के कंपैरिजन में देखिए आज कितनी चहल पहल है मार्केट में, बिल्कुल भरा हुआ है। हम भी कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं एज ए सुवनियर। चलो निकल सकते थे और हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली है, ये करा लिया है महाकाल का मतलब। और बस अब चलते हैं रूम पे और फिर वहाँ से आगे निकलेंगे। चलो निकल सकते थे और हमने थोड़ी शॉपिंग कर ली है, ये करा लिया है महाकाल का मतलब। और बस अब चलते हैं, जल भरने के लिए बॉटल ले लिया, जल भर लेते हैं जल्दी। ये पानी नर्मदा माता का जो उधर बोट दिख रही है आपको, अभी एक बाहर की तरफ आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले हम वहीं पे थे और ये पूरा एरिया आप वॉक करके उधर तक जा सकते हैं, लेकिन अब इतना पानी हो गया है कि मेरे ख्याल से टिल द चेस्ट देर इज़ वाटर, जो ज़मीन है उसके वाटर लेवल। देखिए मार्केट रात को दिखाई थी कल आपको, ये मॉर्निंग का नज़ारा है मार्केट का। ये सही तरीका है कि आप एक बार अगर टाइम से पहुंच जाते हैं तो जगह को जान लीजिए एक दिन पहले ही। जैसे हम कल पहुंचे तो शाम को हमने पूरा एरिया देख लिया, कहां से क्या रास्ता है, कैसे जाना है, किस समय दर्शन है, कैसे दर्शन होंगे, कितनी भीड़ है, जल चढ़ा सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, सारी चीज़ें। दोनों ही जगह फ़ायदा हो गया, उज्जैन में भी और ओमकारेश्वर मंदिर में भी, इस वजह से हम बहुत अच्छे से दर्शन कर पाए। दुकान है दवाइयों की, दवा लगी भांग के जूस की दुकान है, भांग के भांग जूस दुकान लस्सी सब मिलेगा। नहीं हम जाएंगे घर, मेरा पिया नहीं है, मुझे गाड़ी चलाते कंफ्यूजन नहीं चाहिए, तो मैं पी लेती हूँ। नहीं चलो, इतना नशीले वाली होती है, पूछूँ क्या? हाँ चलो, ये है रास्ता जाने का। और अभी याद आया है कि हम प्राचीन विष्णु जी का मंदिर है और हमने कहा था कल आएंगे, हम रास्ते में था तो एकदम सीढ़ियों पे याद आ गया, तो मैंने कहा जब याद आया है तो दर्शन के लिए ज़रूर जाना चाहिए, तो वहाँ दर्शन करके फिर वापस रूम पे जाएंगे।
और यहाँ है प्राचीन विष्णु मंदिर। यहाँ पार्किंग भी है, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। आज एकादशी भी है तो कई दिन में मंदिर आ गए। और मंदिर सुबह 6 बजे से शाम के 8:30 बजे तक द्वार खुले रहते हैं। देखिए कितना सुंदर है मंदिर। अंदर की फोटो खींचना मना है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। हाँ ये देखिए नीचे वो घाट है जहाँ हम गए थे आज, जहाँ से हमने बोट ली थी दूसरी साइड जाने के लिए। सामने झूला पुल दिख रहा है और बगल में है ओमकारेश्वर महादेव का मंदिर। नीचे लोग स्नान कर रहे हैं और अब हम इसी पुल से नीचे की तरफ जाते हैं जो हमें हमारे डेस्टिनेशन पर ले जाएगा। आइए। और ये वो पैसेज है जो झूला पुल की ओर भी जाता है और नीचे ममेश्वर महादेव की ओर भी निकलता है। हम लोग यहाँ से चल पड़े थे अपने अगले सफ़र की ओर। हम यहाँ से जाएंगे गेस्ट हाउस, उसके बाद हमें पहुँचना है रणथंभौर। झूलापुर हम पहले उज्जैन वाले रूट से ही जाएंगे। हम बगलामुखी माता के मंदिर में जाएंगे, उनके दर्शन करते हुए ही रणथंभौर जाएंगे। रणथंभौर में फिर हमारी सफारी है तो 2 दिन हम वहाँ रुकेंगे और शायद रणथंभौर पहुँचने में लेट हो जाए तो हम एक स्टे लेंगे कोटा में। ये झूला पुल को जाएगा, ये ममेश्वर महादेव को जाएगा, ये विष्णु टेम्पल को। सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। और ये है आज की कुछ पिक्चर। आई होप कि आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।